पहुंची भर ले गई घटियो ना नदी यननी धर्म करा धन ना घटो कह गयो दास कबीर। चिड़िया चोंच भर ले गई घट्यो न नदियन नीर धर्म कर्या धन ना घट्यो कह गए दास कबीर। देखिए धर्म कर्या से धन बढ़े। अगर कोई धन ने बड़ा वो चाहो तो मैंने धर्म करनो चाहे। धर्म कर्या से धन बढ़े और धन से मन बढ़ जाए। मन बढ़िया महिमा बढ़े फिर बढ़त बढ़त बढ़ जाए। और इंसान की है जो महिमा ही है साथ। जिसने नाम कमा लिया बहुत बड़ा दाम कमा लिया। और पैसा है लेकिन नाम नहीं है तो फिर मतलब का नहीं वो पैसा किसी काम का नहीं है। धर्म घटिया से धन घटे धन से मन घट जाए। आदमी की जेब में हजार को नोट रेवे आजकल हजार को नोट चले कौन है दो पांच पांच सौ का हो तो मन थोड़ा अलग रिया कर। कोई मेहमान भी मिल जाए आओ सब चाय पीते हैं। और मान लो आदमी की जेब में दस रुपए ये कोई मेहमान दिखा है तो फाली गली में निकल सी कटे बेटा चाय बन बोल दे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है धन नहीं है इसलिए उसका मन घट गया। धन होता तो उसका मन बढ़ जाता। धर्म घटिया से धन घटे और धन से मन घट जा। मन घटिया महिमा घटे फिर घटत घटत घट जा। कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो। कौन जगत में हंस रहा कौन जगत में रो। ब्रह्म जगत में एक है और चंदा सूरज दो। पापी जगत में हंसी रहा धर्म जगत में रो। पाप जगत में हंस रहा धर्म जगत में रोई। मेरा थोड़ा सा निवेदन रहेगा सभी आए हुए भक्तों से ये गौ माता के लिए मैं भजन अर्पित कर रहा हूं। मेरा ऐसा निवेदन है कि सिर्फ एक एक रुपए का दान सभी करें मात्र जिसकी जैसी श्रद्धा हो लेकिन एक रुपया कम से कम अपनी गौ माता के लिए दें। आज हम मिलकर के कोशिश करते हैं कि हमारे भाई साहब का माता रानी के दरबार में पावन सत्संग का कार्यक्रम हुआ और इसमें गणवर की इस पावन धरती ने मिलकर के एक इतिहास बनाया कि गौ माता के लिए भी इस माँ के दरबार में धन इकट्ठा किया गया दान इकट्ठा किया गया। मैं बाबूजी से निवेदन करूंगा कि एक देसाई का बंडल कम पीना। उम्र बढ़ेगी लेकिन वो गौ माता के लिए थोड़ा दान कर देना। देखिए 200 रुपए मैं मेरी टीम की तरफ से गौ माता के लिए अर्पित करता हूं और जितना भी दान आएगा वो गुप्त आएगा। यहां नहीं आप यहां रखें इसको। जो रात दिन एमएलए साहब की छत्रछाया में रहते वो कहां तक जाएंगे मुझे पता नहीं। मेरी माता बहनों से भी निवेदन है मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैंने अब तक 50 लाख रुपए गौ माता के लिए गौदान इकट्ठा किया है केवल भजन संध्याओं से। कहीं पर 2000 आए कहीं पर 2 लाख भी आए कहीं 10 लाख भी आए लेकिन सब ने अपनी श्रद्धा से दिया। और यहां से दिया हुआ घर जाकर संभालेंगे तो दुगना मिलेगा आपको। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। गोविंदा गोपाला जय गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा गोपाला। जय हो
गोविंदा जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला जय गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा गोपाला कर खाया जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा एक कसाई एक गौ माता और बिका बछड़ा ने खरीद रहे अपनी वधशाला में ले गए। देखिए उस छोटे से बछड़े के भाव, गाय ने और बछड़े ने दोनों ने खरीद और वधशाला में ले जाकर खड़ी कर दिया। बछड़ो शाम के टेप अपनी मां ने कहने लगे, मां वो कुण को घरे और दिन आप इतना अच्छा घर में रिया करता, आज ओ कुण को घरे मां इतो गंदो घरे, हड्डियां पड़ी है, चर्बी पड़ी है, खाल पड़ी है, मां ओ कुण को घरे। मां अपना हिवड़ों लगाती थी कि बोली, हे बेटा जितनो दूध पीणो वो आज पी ले, कल थारी मां खत्म हो जाएगी। बछड़े ने सोचा मां मजाक कर रही है, लेकिन सुबह वही हुआ जो होना था। कसाई आयो, कसाई आ और गाय और बछड़ा ने दोनों ने खोल रहे बी जगह ले गयो जटे मैंने काटनो है। सबसे पहली वो कसाई गौ माता रे ऊपर गर्म पानी ना क्यों, चामड़ी झुलस गई, पतो नहीं क्या न वो बछड़ो भी कसाई के हाथों छुड़ार भाग दूर जा और एक बंबूल की ओट में खड़ो वे गयो और अपनी मां ने तड़पती देखी। मां ने तड़पती देखो कसाई भी की नाड़ पर आरी मेल दी, जद बछड़ा रियो नहीं गयो, भाग रहे वापस आए गयो और दो ही घुटना टेक और भी कसाई ने कहने लगे, मामा हे मामा मेरी मां को मारने से पहले मुझे मार दो आप। तीन चार बार उसके मुंह से मामा शब्द निकला, हे मामा मुझे मार दो आप। कसाई को दिल पिघल गया। एक छोटा बछड़ा के मुंडा मामा की आवाज सुनी तो कसाई सोच रहे मैं कितो पागल आदमी हूं, ओ मामा कह रहे और मैं मारी बेणा ने खत्म कर आ तो मारी बेण वेगी, मैं अपनी बेण ने नहीं मार सकूं। सजनों उसी दिन तलवार फेंक दी, उसी दिन वधशाला बंद कर दी। बी वधशाला के मैंने एक बहुत बड़ी गौशाला खोली और एक संत बन गया। पुकार में इतना दम है, आप पुकार कर तो देखिए, कौन कहता है कि भगवान नहीं आते, अरे मीरा की तरह बुला कर तो देखी। कौन कहता है कि भगवान खिचड़ा नहीं खाते, कर्मा की तरह खिला कर तो देखिए। उस बछड़े की पुकार सुनकर उस पापी का मन द्रवित हो गया और वो पापी हमेशा के लिए के संत बना। आज भी मारवाड़ में वो गौशाला है। एक बार उस बछड़े के लिए ताली बजाओ जोरदार। गौ माता कहने लगी, हे भगवान
हर इंसान नहीं बदलेगा, इसलिए गौ हत्यारों का दमन करो या दीदू देश निकाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा गोपाला। और मैं फौजी साहब से थोड़ा करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस राशि को थोड़ा सा काउंट कर दिया आपके कर कमल से, क्योंकि भी थोड़ी देशभक्ति की वंदनाएं भी सुनेंगे, जब इतने भक्त बैठे हैं तो कुछ देशभक्ति का रंग भी होगा। आज महाराणा प्रताप का गुणगान करेंगे आपके सामने बैठकर। देखिए छोटी सी भजन संध्या में हम कितना कर पाए हैं ये थोड़ी देर में डिक्लेयर हो जाएगा और ये धरती धन्य हो जाएगी। पता नहीं कितना कीड़ा मकोड़ा मार रहा पाटा यहां। मेरे सजनों अगर 2 रुपए 10 रुपए का दान कर दिया, मैंने यहां तक देखा है कि कई बार माता बहनों ने अपनी सोने की अंगूठियां तक दे दी, कान के नाक के वो जो सोने के आइटम थे वो तक दे दिए, बोले कोई बात नहीं लेकिन ये फिर बस जाएंगे। लेकिन आज का जो जागरण का मौका है, जो मेरे पति देव का नाम मुझे करना है, वो मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा गोपाला। चक्र उठाओ वरना न रहेगा मंजुल तुमको कोई न भजने वाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा गोपाला। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण, जय धरती स्वामी विवेकानंद अमेरिका चले गए। अमेरिका में एक भक्त पूछो, बाबजी एक बात बताऊं, आपरा देश में आपरे भारत देश में सबसे बढ़िया दूध कौन सो जानवर देवे? स्वामी जी ने झट से उत्तर दिया, मेरे भारत देश में सबसे अच्छा दूध भैंस देती, सबसे अच्छा दूध भैंस देती। अब वो चक्कर में पड़ गयो, वो तो सुन लो गाय, स्वामी जी बता दिया भैंस कैसे पार पड़े। बोले मैंने तो सुना कि आपके देश में गाय सबसे अच्छा दूध देती है और आप कह रहे भैंस देती है। बोले रे बावड़ा तू जानवर की बात कर रहे हो, तूने जानवर की बात की है, जानवर तो भैंस है गाय जानवर नहीं है, गाय तो हमारी माँ है, गाय तो हमारी माँ। ऐसे उच्च विचारों के लिए ताली होनी चाहिए स्वामी जी के लिए। देखिए फौजी साहब अपने हिंदू धर्म में 33 कोटी देवता है, जैन 33 करोड़ देवी देवता भी बोल दिया करा,
अब अगर एक देवता का आप एक रुपये छड़ावा, एक देवता के सिर्फ एक रुपये छड़ावा, तो 33 करोड़ देवता के लिए कितना चाहे? 33 करोड़ ही चाहो ना। कोई आपनी है हिम्मत कोई की छड़ावा कि 33 करोड़ रुपया? 33 करोड़ को दान करा जद तो खाली एक एक रुपये पाती आओ, जिम बिस्कुट को डुबो भी ना हो, अगरबत्ती को पोड़ो भी नहीं आओ। मेरे सजनों, एक गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। अगर आप एक रुपया गौ माता के लिए देते हैं तो समझो आपने 33 करोड़ की सेवा कर दी। एक रुपए से, मात्र एक रुपए से 33 करोड़ की सेवा कर दी आपने। इसलिए माता को माता न कहे तत्काल उसे पाबंद करो। अरे अमन चैन से जीना है तो गो हत्या को बंद करो। अमन चैन से जीना है तो गो हत्या को बंद करो। ये वही भारत है जिसने अंग्रेजों को भगा दिया। ये वही भारत है जिसने अंग्रेजों को भगा दिया। आज उन्हीं पापियों ने स्वाभिमान को जगा दिया। देवों की इस धरती पर असुरों का आना बंद करो। अब एक बार दोनों हाथ गौ माता के लिए उठाकर ताली के साथ में, क्योंकि आप सबने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए लोग तरसते हैं। अरे अमन चैन से जीना है तो गो हत्या को बंद करो। अमन चैन से जीना है तो गो हत्या को बंद करो। इस पापी युग में गौ माता का हर बेटा रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोली कृष्णचंद्र भगवान की, बोली खाटू नरेश की।